शादी करने वाला था बेचारा, बट शादी हो नहीं पा रही थी। अभी आप सोच रहे होंगे अब एकदम से शादी क्यों हो रही है, वजह वजह मतलब सारी चीजें कैसे सही हो गई, तो मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें कैसे सही हो गई। और लास्ट एपिसोड में ट्रेवर को मिलिट्री वाले ने पकड़ भी लिया था, क्योंकि इसके ऊपर ब्लेम लग गया था भाई, बहुत बुरा खतरनाक सा। मैंने पूरे लोस्टेंटो उसके पैसे लूट के एक बैंक अकाउंट में पहुंचाए थे, और फिर उसके बाद मैंने जनरल की सुपर कार चुराई थी जो कि आर्मी के बेस पे घुस के मैंने चुराई थी, तो मेरे ऊपर बहुत खतरनाक चीज़ लगी थी। फिर मैं कैसे निकला, बहुत सारी चीज़ें हुई है, और फाइनली सिचुएशन काफ़ी सुधर गई। तो ड्राइवर आज शादी कर ही रहा है भाई फाइनल। बेचारे ने कोशिश तो करी थी लास्ट वीक, बट हो नहीं पाई थी। बट कोई बात नहीं, जो लास्ट वीक नहीं हो पाई वो अब हो जाएगी। आज शादी होने वाली है, फादर सामने खड़े हुए हैं हमारे प्यारे, ये बिग माफे नहीं फादर है, सारी अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग एक दो घंटे के अंदर ट्रेवर शादी करेगा और सारे गेस्ट आ जाएंगे। रोकी डोगी फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो निकी के साथ गए हुए हैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि निकी उनको लेकर गई है, लगता है शायद से उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने गई है, फिर कुछ भी हो वो उसके साथ गए हुए हैं। बाकी मेरे माइकल भाग रहे, सब कुछ आने वाले, मतलब सब बंदे आने वाले हैं, वो तैयार होने के लिए गए हैं। पूरा का पूरा अरेंजमेंट लगभग भाई मैंने कर ही दिया पूरा, थोड़ा बचा हुआ है अभी, पूरा नहीं हुआ अभी। ऊपर हेलीकॉप्टर आएंगे थोड़ी देर में, वो मेरे बड़े बड़े भाई बैनर लटकाएंगे पूरे शहर में कि ट्रेवर की शादी है। देखो भाई अभी ना हम जो शादी कर रहे हैं बहुत एकदम जल्दी से रख रहे हैं, तो गेस्ट थोड़े कम आएंगे बट आ जाएंगे। आपको याद ही है एक दिन बाद ही मैंने शादी की डेट लगवाई थी हर एक कार्ड में, और शादी हो नहीं पाई, तो गेस्ट सोचेंगे ट्रेवर भी ना मजाक करते रहता है। तो फिलहाल भाई जितने बंदे आ सकते हैं, मैंने जितनों दोबारा से कॉन्टेक्ट करा वो आ जाएंगे, बाकी बाद में फिर कभी आ जाएंगे। तो सारा अरेंजमेंट लगभग पूरा अच्छे से चल रहा है, अभी अरेंजमेंट पूरा नहीं है, अभी और होगा फिलहाल। बट अभी जब तक ये हो जाएगा, जब तक हम आप लोगों को बताते हैं भाई क्या क्या हो चुका है, सारी चीज़ें कैसे सही हुई है, जो इतनी उल्टे सीधे काम चल रहे थे जो गॉडफादर ने करे थे, हमारे डेविल का उल्टा सीधा काम चल रहा था बेचारा, वो मिला नहीं है बट उल्टा सीधा काम उसका भी था, और फिर ऊपर से लूसीफर भैया कहाँ पर चले गए थे अपने उस बेबी के साथ में, और फिर बिग माफिया हमारे भैया जो असली में वो सामने वाले नहीं, वो सही कैसे हुए। फिर भाई आपको पता ही उसका भाई मरा था, उसको किसने मारा, बहुत सारी चीज़ें खुलेगी भाई आज। तो चलिए मेरे प्यारे ट्रेवर भाई जी फ्लैशबैक शुरू करते हैं भाई जल्दी से, जब तक अरेंजमेंट भी हो जाएगा और जब तक आपको पता चल भी जाएगा ये नमूना छुटा कैसे जेल में से, क्योंकि भाई इसको मिलिट्री ले गई थी और मैं खुद गया था उनके साथ में। उन्होंने आप एक चीज़ मत भूलना, डोगी और रोकी को बंद करा था पिंजरे में, मेरे को बड़ा गुस्सा आया था उस चीज़ पे, बट फिलहाल अभी उन्होंने माफ़ी मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए भाई शुरू करते हैं फ्लैशबैक। ड्राइवर क्या तुम हमें साफ साफ बताओगे क्यों तुमने सारा काम किया, कहाँ है पूरे लॉस सेंटोस का पैसा, हमें वो पैसा दे दो और कार दे दो, और हमें तो ये भी लगने लग गया जनरल भी तुम्हारे पास ही है, तुमने ही जनरल को किडनैप करके रखा है, इसका मतलब तुम सभी चीजों में मिले हो। ड्राइवर अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो, क्या पता तुम्हें छोड़ भी दिया जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ में। अरे भाई कितने उछल रहे हैं, एक तो मैं इनमें बजा नहीं रहा अभी, क्योंकि इन्होंने डॉगी रो के साथ बहुत बुरा किया घर पे, मैंने फिर गार्ड से पता भी करा था ज्यादा टाइम में, इन्होंने उनको जबरदस्ती गर्दन से पकड़ के पिंजरे में डाला है, इनका नेता तो मैं बनाऊंगा। अबे भाई तुम्हें पता नहीं है ड्राइवर अपने बेटों की तरह, मतलब कि अपनी फैमिली सबसे ज्यादा भाई, आपको पता है ड्राइवर के अपनी खुद के बच्चे वगैरह तो नहीं है, तो ड्राइवर उनको अपने दोनों को बच्चों ही मानता है, और तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा बिहेव करा, इनको बनाऊंगा नेता बाद में ज्यादा टाइम। तो फिलहाल काफी परेशान कर रहे हैं, मैं खुद ही आया भाई, मैंने खुद ही सरेंडर कराया, अब सभी चीज़ का बिल मेरे ऊपर फाड़ रहे हैं कि मैंने सारा काम कर रखा है। चाचा जी नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो, जो कर सकते हो वो कर लो, जितना दम है उसको बुला लो, हम भी देखे क्या कर लोगे, तो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रेवर को हल्के में ले ले, मिलिट्री वाले ट्रेवर से पंगा, ये सोच सोच के मेरे को हंसी जा रही है। अबे तुम्हें पता नहीं है मेरी खुद की आर्मी बन चुकी है, मेरा दोस्त अभी नाराज चल रहा है मुझसे, नहीं तो तुम लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा दो मिनट में सीधा कर दूंगा। देखो भाई मुझे कुछ नहीं पता कहां पर पैसे हैं, मुझे नहीं पता गाड़ी किसने चुराई है, तुम फ्री में आकर के परेशान हो रहे हो, मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, मुझे यहां से जाने दो। तो ठीक है ट्रेवर, तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसको जेल में लेकर के जाओ और टॉर्चर करो इतना ज्यादा जो इसने कभी देखा ना हो। बंदे मुझे जेल में डलवाना चाहते हैं, ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जाने के लिए तैयार है, बुला लो भाई बुला लो, प्रिजन बस बुला लो। अबे ट्रेवर नमूने ये फ्लोर यहीं पे गंदा करके जाएगा, अबे किसी कपड़े के ऊपर डाल लेता तो मजा भी आता, अपने ही कपड़ों को साफ कर लेता है,
तो चलिए ठीक है भाई, जेल में जाने के लिए तैयार है, हम जेल में जाएंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेके चलो भाई। मैं बड़े ही प्यार से बंदों के साथ जाने लग रहा हूँ, बस मैं पहुंच ही गया, मतलब हम लोग पहुंच ही गए सामने की तरफ। थोड़ी दूर चलने के बाद हमारी जेल पड़ने वाली शहर की सबसे बड़ी जेल है, तो मुझे वहीं पे लेकर के जाया जा रहा है। ड्राइवर ब्रो पीछे की तरफ बैठा है और जैसे क्या हाल है, अरे गाने वाने बजा लो, क्या म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गवर्नमेंट ने इसने? ये गवर्नमेंट भी फर्जी हो गए रखी है आजकल, कुछ पैसे ऐसे देती नहीं है। बेटे तुम्हें पता नहीं है ड्राइवर से पंगा लेकर के तुम बहुत बुरा कर रहे हो, कटोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए भाई चल देते हैं, अभी जेल में जाना है, जब हमारे नसीब में लिखा हुआ है ड्राइवर के, तो उसको कोई बदला जा ही नहीं सकता, जो किस्मत है वो होकर के रहता है। तो ठीक है भाई, BPSP, अभी चलो इसकी फुल फॉर्म बना लेते हैं, खाली टाइम तो यही है भाई, कुछ और कर नहीं सकते। तो ये इसका क्या बन सकता है, BPL का तो पता है मुझे, बट बताऊंगा नहीं, बट फिलहाल BPS का थोड़ा अजीब है। चलो छोड़ो यार, जो भी है वो आप बना सकते हो, बट फिलहाल अभी हम ध्यान देते हैं मेन चीज़ पे। तो यार अभी ना सच में हम जेल में पहुंचने वाले हैं, ये तो गड़बड़ हो गई, कहाँ रहेगा नमूनों का सरदार, ये पिटकर मानेगा मुझसे, सही बता रहा हूँ भाई, मैं उसको बहुत ज़्यादा बुरा मारने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं सच्ची में जेल में चला गया ना तो मेरा काम बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरा काम बढ़ जाए। पिटेगा ये पिटेगा लेस्टर नमूना, इतना बुरा पीटूंगा मैं उसको, फिलहाल हद है यार। वैसे देखते चलो, थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरे को सुबह पूरा भरोसा है वो आएगा, वो ज़रूर आएगा। तो फिलहाल चाहते सही बता रहा हूँ मैं, अभी यहीं पे बस को रोक दो, जेल में अंदर मत जाओ, अगर जेल में जाओगे तो तुम्हारे रास्ते में बहुत बुरा काम हो जाएगा। अभी कह रहा हूँ वापस मेरे को बस दे दे, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। और लो लगता है लेस्टर पहुँच गया, लेस्टर में दम है भाई साहब, मार 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 लेस्टर मार, खत्म करते नमूने को, अरे मार नहीं रहो भाई साहब, ये ले बेटे अब मराना। ओके भाई बहुत बढ़िया, सभी का नेता बना दिया है इसको, मैं बोल रहा था बस को रोक दे, बस मुझे दे दे, बट मानेगा नहीं, वो देखो नमूना खड़ा है लेस्टर भाई, और दे दे अबे बस में कंट्रोल करो, मर गया, अबे जान निकल गई इसकी, बदतमीज का बस, इतना बुरा मारा बेचारों को, बस क्या बोले भाई। लेसर ने धुआं उठा दिया, कैसे पड़ा हुआ फैल करके, मैंने इसको पहले ही बोला था भाई पंगा मत ले, ड्राइवर से पंगा बहुत भारी पड़ने वाला है। ओके बॉयज बहुत बढ़िया, अरे लेस्टर नमूने सच्ची में तूने धुआं उठा दिया, अरे फटे हुए ढोल, तू अगर लेट आता ना सच बता रहा मैं तेरे को बहुत पीटता फिर। चल अच्छी बात है, गाड़ी वाड़ी कहाँ पर है, जल्दी गाड़ी मंगा, निकलते यहाँ पे इससे पहले बैकअप आ जाए, क्योंकि मिलिट्री के बंदों को ठोक दिया भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा, पूरी आर्मी पीछे पड़ जाएगी हमारी। मेरी गाड़ी लेकर क्या, जेम्स वाली गाड़ी, आज उसकी जरूरत पड़ने वाली है समझा भाई। मेरे पास मेरी प्यारी सी गाड़ी आ चुकी है, लेस्टर पहुंच चुका है वापस अपने बंदों के साथ में, वो मेरे साथ नहीं गया क्योंकि मेरे को अभी एक जगह पर जाना है, उसने मेरे को बोली है। फिलहाल वो अपने बंदों के साथ, मैंने आपको बोल दिया, वो काली घोड़े पहुंच चुका है फिलहाल, जहाँ पर वो रुका हुआ है वहाँ पे भाई बहुत खतरनाक एरिया है वो, पुलिस तो क्या मतलब भाई, वहाँ पे भूत नहीं घूम सकते, घुस नहीं सकते, पता नहीं कर सकते वो जगह कहाँ पर है। लेस्टर तो सेफ है, दुनिया की सबसे सेफ जगह पे लेस्टर मिलने वाला है इस वक्त, जहाँ पे कोई रेड नहीं लग सकती, उसको छोड़िए। तो फिलहाल पहुँचते हैं जल्दी से, लेट नहीं करेंगे एक जगह पे। पता है लेस्टर के हिसाब से उसने काफ़ी रिसर्च करी है, और वो बोल रहा है कि ट्रेवर मुझे शायद ऐसा लगता है हम लोगों ने डेविल को ढूंढ निकाला, जल्दी जा मेरे भाई, लेट मत कर भाई। आपको डेविल नाम का मुर्गा, वो मतलब कि अपने गुड फादर का बेटा, वो एक तो नकली घूम रहा है गंजू लाल जो हमारे पास पहले से ही है, दूसरा गंजू कहाँ पर है वो ढूंढना पड़ेगा। और एक जगह मिली है जो पूरी पूरी अजीब है, और वो मतलब बर्बाद पड़ी है पूरी जगह, वहाँ पे बिल्डिंग्स है अजीब अजीब तरीके की, मतलब वहाँ पे बहुत कुछ है बट सब कुछ ख़त्म पड़ा हुआ है। तो लेस्टर के हिसाब से वहाँ पर डेविल है, पता नहीं भाई किसने बताया इसको। तो चलिए जा करके देखते हैं कितना दम है इसकी बात में। काफ़ी टाइम लगा बट मैं पहुँच गया हूँ जगह पर, आप देख रहे हो कैसी भयंकर जगह है ये, और पूरी जगह बर्बाद पड़ी है भाई, 99% ख़त्म पड़ी है, देख रहे हो यहाँ पे कुछ जगह नहीं है, मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले बहुत बड़ा बॉम ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से पूरी जगह बर्बाद हो गई थी। तो फिलहाल यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने फिर बोला कि यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम तक हम बंदों को नहीं बसाएंगे, क्योंकि क्या पता उस बॉम का क्या रिएक्शन हो जाए जनरेशन पे, इसलिए फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं करा गया आज तक। और काफ़ी टाइम से जगह पूरी बर्बाद पड़ी हुई, जैसे आप देख रहे होंगे पूरी बिल्डिंग ऐसे टूटी फूटी पड़ी हुई है, बहुत बुरा बॉम था भाई इससे पता चलता है। तो यहाँ पे कैसे ढूंढ निकाला लेस्टर ने, और सच्ची में यहाँ पे है भी वो नहीं भी, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बड़ी थी भाई, जैसे कि आप देख रहे होंगे आज भी ऐसी खड़ी है कुछ कुछ बिल्डिंगें, तो इनको बोलते हैं अंबुजा सीमेंट यूज़ करा जाए, तो इन पर किया है शायद से, इसी वजह से बहुत अच्छे से चल रही है। तो फिलहाल चलिए देखता हूँ भाई, अगर डेविल मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी मुझे इस जगह को देख के ऐसा लगता है शायद से लेस्टर की इन्फॉर्मेशन में दम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस जगह पे कौन रखेगा भाई अपने बेटे को, वो भी गॉड फादर का सगा बेटा है यार, सगा बेटे को कोई ऐसी जगह पे क्यों बांध के रखेगा, ये दुश्मनी वाली बात हो गई है। तो फिलहाल ये पूरी बिल्डिंग की ज़मीन में घुस गई भाई, ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक सेकंड भाई सामने कुछ है, अच्छा भाई सामने कोई है, अरे भैया अपना गंजू मतलब कि अपना डेविल, यार ये कैसे हो सकता है, डेविल बेटे क्या हाल चाल, तू असली है ना, अबे तू यहाँ पे कैसे, ये कैसे जी रहा है यहाँ पे। ट्रेवर भाई थैंक गॉड आप आ गए, मैं पल पल यही सोच रहा था ट्रेवर भाई कब आएंगे, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, प्लीज मुझे खोल दो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बड़ी भूख प्यास लगी है, प्लीज ट्रेवर भाई। भाई साहब तो बड़ा परेशान है, एक सेकंड अभी खोलता हूँ, रुक जा। गंजू तो बहुत परेशान है भाई, मैंने इसको फिलहाल खोल दिया है, फिर मेरे गाड़ी में एक पानी की बोतल पड़ी थी, मैंने इसको वो दिया, इसने तो दबा के पूरा पानी पी डाला भाई, बड़ा अजीब है गॉडफादर अपने बेटे को ऐसे सजा देता है,
मतलब भाई कैसे एरिया बांध के रखा है, ना कोई यहाँ पे गार्ड, ना कोई बंदा, ना यहाँ पे पानी, कुछ नहीं दिया इसके लिए। ये तो बड़ा अजीब इंसान है भाई, सच्ची का डेविल है नहीं है, क्योंकि मेरे को यकीन नहीं हो रहा तेरे फादर के साथ ऐसा कर सकते हैं डेविल। बहुत बुरा लग रहा है मुझे देख करके, काफी गलत हुआ इसके साथ में। बट तू टेंशन न ले, तेरा ट्रेवर भाई आ चुका है। तो भाई चलो फाइनली हमने डेविल को ढूंढ निकाला। आज लेस्टर को इसका क्रेडिट जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि लेस्टर ने इस जगह को ढूंढा। ये सबसे कमाल की बात है, ऐसी जगह पे मैं जिंदगी में सपने में नहीं सोच सकता था मैं कि भाई ऐसी जगह पे डेविल को रखा होगा गॉडफादर ने। ये सही है यार, इस गॉडफादर को इतना बुरा मारना चाहिए कि सच्ची में वो कभी सोचे ना। मैं और डेविल भाई फाइनली बहुत अच्छे से पहुंच चुके वापस से लॉस सैंटोस में। बहुत अच्छा फील कर रहा है काफी अभी। अभी मैं इसको बस छोड़ देता हूँ सेफ जगह पे ताकि पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को शहर में जाना पड़ेगा। शहर में आते लेस्टर का फोन आया दोबारा से। लेस्टर बोलता है ड्राइवर ब्रो जिंदगी खराब होके रखी है तेरी सच्ची में, क्योंकि अभी हमने जो पैसे चुराए थे ना वो इतने ज्यादा पैसे भाई आपको पता है पूरा लॉस सैंटोस मैंने भिखारी बना डाला इस टाइम। तो लोगों पे खाने पीने के तक पैसे नहीं है, जिसके पास कैश है उसकी ऐश है, यही वाली बात है, नहीं तो सब रोडपति है फिलहाल आज की डेट में। तो क्योंकि और बहुत बड़ा इसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, यही तो दिक्कत हो गई भाई। बंदों ने हमला बोल दिया गवर्नमेंट के ऊपर कि क्या ड्रामा चल रहा है, तुम कैसी गवर्नमेंट हो, हमारे सारे पैसे लुट गए, बर्बाद हो गए, हमने इतनी मेहनत करी थी, पूरे उम्र भर कमाया था, वो सारा पैसा ऐसे चला गया, और रखो उल्टे सीधे काम करके बैंक में पैसे जमा, ऐसे ही होगा किसी दिन। तो फिलहाल बहुत बुरा किया मैंने बंदों के साथ में, बट मजा भी आने वाला है। तो चलते हैं भाई प्रोटेस्ट में, डेविल चलते हैं, उनको मैं छोड़ देता हूँ भाई। उसके बाद तेरा ड्राइवर भाई जाने वाला है प्रोटेस्ट देखने के लिए। मैं पहुंच गया भाई जगह पे, वॉच को यूज करके इस जगह पे जाऊंगा मैं, नहीं तो डंडा बजेगा मेरे बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि आपको पता थोड़ी गड़बड़ होकर रखी है, सबके ऊपर मेरा ही शक है कि मतलब ड्राइवर ने हमें कंगाल बना डाला। तो फिलहाल आगे की तरफ निकलते हैं। मैंने डेविल को छोड़ दिया है फिलहाल, वो सेफ जगह पे है, थोड़ा उसको आराम कर रहे हैं, तो वो खाना पीना खाएगा, रिलैक्स करेगा, तब उससे पता करेंगे। यार देखो अभी वो बेचारा काफी परेशान है, थोड़ा उसको आराम कर रहे हैं, तो फिर लेस्टर से पूछ करके मेरे को सारी बातें बता देगा। उसके पापा कहाँ कहाँ पे छुप के रखे हैं, आप देख रहे हो कितने सारे पुलिस वाले बंदे भाई साहब, डंडा हाथ में लेकर गए, अबे डंडा बजा देंगे, भाग जाओ यहाँ से। ये देख रहे हो बंदे कैसे खड़े हो गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों में भाई बोर्ड लेकर के लिखा हुआ है कि हमारे पैसे लौटा दो, ये ठीक नहीं करी गवर्नमेंट, तुम पैसा दो। अबे गवर्नमेंट का खुद पैसा नहीं है भाई, कहाँ से देगी गवर्नमेंट तुमको पैसा। ये सच्ची में यार बंदे समझते क्यों है सिचुएशन को, हर बार में गवर्नमेंट की कमर तोड़ने में लग रही है। अबे जब उस पे है ही नहीं, कहाँ से देगी, भिखारी बड़ी है गवर्नमेंट। सच्ची में भाई गवर्नमेंट का दिवाला निकल गया। तो बात अभी ये है, मैंने ये प्रोटेस्ट देख लिया, यहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट लगा के रखा है बंदों ने। चलिए जैसा भी है बहुत बढ़िया, फिलहाल मैं इसको बट जल्दी ठीक करूँगा भाई। काफ़ी मज़े मैंने ले लिए बंदों से, बट ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, मानता हूँ मैंने खराब किया था। किसके लिए, माइकल के लिए, फ्रैंकलिन के लिए, फिलहाल उनको भी तो ढूंढना है ना। मेरे प्यारे भाई दोनों के दोनों मिल जाएंगे, गॉड फादर मुर्गा मिलेगा, मेरे दोनों भाई मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं दूसरे वाले प्रोटेस्ट में भाई पहुंच चुका हूँ, वो इसका यूज़ कर लेता हूँ। सामने की तरफ प्रोटेस्ट चलने में लग रहा है भाई। फिलहाल ना गवर्नमेंट ने ना पूरे शहर में लॉकडाउन अनाउंस करवा दिया कि अगर शहर से कोई बाहर निकला डंडा बजेगा जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बट फिलहाल कुछ गैंग वाले बंदे, दबंग बनने का शौक है, न्यूज़ पे आने का शौक है ना भाई, देखो इनको टीआरपी तो बढ़वानी है ना, तो इसी चक्कर में कुछ बदमाश घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है न्यूज़ वालों ने पैसे दे दिए होंगे इनको कि भाई तुम लोग बाहर आ जाओ, हमारी टीआरपी हो जाएगी, तुम लोग लड़ लेना और हम लोग न्यूज़ कवर कर लेंगे, नहीं तो बेचारे ये भी खाली बैठे हुए फिलहाल, तो न्यूज़ चैनल वाले बर्बाद हो गए। अरे भैया अबे तू क्या कर क्या रहा है यहाँ पे, चोर पागलों के सरदार, मैं से कुछ बोल नहीं सकता। सामने देखो चोर खड़ा है प्रोटेस्ट में, अबे तेरे ही पैसे लुट गए क्या, अरे सो सॉरी, टेंशन मत ले मैं लुटवा दूंगा, ये चोर का भी नेता बना दिया गया है। तो फिलहाल भाई यहाँ पर ही पुलिस काफी अलर्ट खड़ी है, जैसे ऑर्डर्स मिलेंगे डंडा बजा के सभी को भगा डालेगी। फिलहाल भाई पुलिस अभी बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है आप लोगों के साथ, प्लीज पहुंच जाओ चुपचाप, पैसे मिल जाएंगे इनको। यार मैं करता हूँ जल्दी जल्दी सारा काम करता हूँ। फिलहाल आप लोगों ने देख लिया बहुत बुरी हालत हो गई रखी है शहर में, मतलब बदमाश ऐसे घूम रहे हैं। सीधी सी बात है पैसा इनका गया है, मेहनत का पैसा था, बहुत से तो पूरी पूरी उम्र का सेविंग करते हैं, सोचते हैं बच्चों की शादी करेंगे, पढ़ाई का काम आएगा, बस सबके अपने अपने सपने होते हैं और उस सभी सपने खराब हो चुके हैं लगभग देखा जाए तो। अभी फोन आ गया है मेरे प्यारे बिग माफिया भैया का, उसने मेरे को बोला ट्रेवर आर्मी ने कुछ बंदों को पकड़ा है, क्योंकि रैंडम बंदे बदमाश घूम रहे थे ऐसे शहर में, हमें लगता है गॉड फादर के बंदे हैं और उनको पता भी है गॉड फादर कहाँ पर है, जल्दी जाओ और पता कर, लेट मत कर बिल्कुल भी। तो ठीक है भाई निकलते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। मैं पहुंच गया हूं भाई अपने प्यारे से बंदों के पास में। हेलो बॉयज क्या हाल चाल है, तो के इन बंदों को पकड़ा है हमारे प्यारे भाइयों ने। तो ये बंदे तो यार मेरे को देखे देखे से लग रहे हैं, ये वही बंदे हैं ना लूसीफर के बंदे, तो क्या लूसीफर गॉडफादर मिले हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हेलो भाई जरा मुझे बताओगे यार आप लोग कहाँ पर है गॉडफादर, बस प्यार से बता दो नहीं तो बहुत मारूंगा, समझ में आया ना। बंदों से बातें हो गई है, बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर भाई हम लूसीफर के नहीं है, हम गॉडफादर के ही बंदे हैं, बट गॉडफादर की लोकेशन हमें भी नहीं पता, बट आपको कुछ बंदे बता देंगे लॉस्ट वाले बंदे, वो जानते हैं गॉडफादर कहाँ पर है, फिलहाल वो गॉडफादर के लिए काम कर रहे हैं।
तभी बोलूं ये लॉस्ट वाले बंदों ने, लास्ट टाइम जब इनके पास गया था आपको याद होगा मैंने बोला था भाई मेरे लिए गाड़ी चुरा लो जो कि मिलिट्री बेस से चुराना है। बंदों ने मुझे बोला ट्रेवर भाई अब हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, तुमने हमारे बंदों को मारा, हम तुमसे नाराज है, ऐसा झूठा बहाना बोला मुझे, मैं वहां से आ गया। तो इसका मतलब भाई ये बंदे दुश्मन पार्टी को ज्वाइन कर लिया इन्होंने और अब मेरे को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। इनका एटीट्यूड कम करूंगा, बिग बॉस को फोन करता हूं, एक काम कर गार्ड्स को बुला जल्दी से, और एक काम कर सभी लॉस्ट वाले बंदों को उठा के लेकर गया आसपास के बेस से। मेरी आर्मी आपको पता है एक नंबर काम करती है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर सभी को पकड़ के ले आए आसपास के जितने बेस में घूम रहे थे। तो फिलहाल ये नमूने ने मुझे बोला है कि ट्रेवर भाई हाँ हम सच में ही गॉडफादर के लिए काम कर रहे हैं, बट गॉडफादर ने कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कि आपको मार दे वगैरह वगैरह, फिलहाल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और हमने ऐसा कुछ ऑर्डर लिया भी नहीं है कि हम आपके ऊपर अटैक करें। बस उन्होंने काफी अच्छा ऑफर दिया हमें कुछ अलग काम करने के लिए, हमने वो पैसे लिए और काम करना शुरू कर दिया। बाकी आपका लेना देना इससे कुछ नहीं है ट्रेवर भाई, मतलब कि आपके बारे में कोई डील नहीं हुई है, इन्होंने मेरे को ये बोला, मतलब कि मेरे को नहीं मारने वाले थे। चलिए भाई फिलहाल थोड़ी देर के लिए यकीन कर लेते हैं इनके बात का। देखो लास्ट टाइम जो हुआ था ना क्या होता फिर से वो हो जाए, इसलिए मैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो ठीक है लॉस्ट वाले भाइयों मैं यकीन करता हूँ तुम्हारी बात का, फिलहाल इनको भी नहीं पता गॉडफादर कहाँ पर है, काम करते हैं उसके लिए बट लोकेशन उसने इनको भी नहीं बताई। ये गॉडफादर बड़ा चालू आइटम है, मैंने आपको पहले बोला था, मतलब बहुत चालाक बंदा है, अपनी लोकेशन ऐसे तो वो लीक नहीं करेगा और वो भी लॉस्ट वालों को कभी नहीं करेगा। तो ठीक है तुम लोग जा सकते हो, मैं ज़रा निकलता हूँ। तो देखते हैं बिग माफ़ी ने मेरे को बोला था थोड़ी देर फोन करके कि मैं पता लगा रहा हूँ ड्राइवर, तो टेंशन बदले तो क्या पता भाई उसको पता लग गया हो। बिग माफ़ी की सर्विस काफ़ी अच्छी है भाई साहब, लगता बंदा 2 मिनट वगैरह में काम करता है, इतनी जल्दी जल्दी खाना लेकर के आ रहा है, मतलब कि सर्विस दे रहा है। तो पॉइंट अभी ये है भाई कि फिलहाल फ़ोन उसने कर दिया मेरे को और बोलता है ड्राइवर मुझे पता लग गया है गॉडफादर के बंदे कहाँ पर है, चल जल्दी से जा, वो बंदा तेरे को जरूर बताया गॉडफादर कहाँ पर है, पीट पीट के पूछना, 100% मेरी खबर सही है, उस बंदे को कुछ देर पहले गॉडफादर के साथ देखा गया था। चलिए भाई पहुँचते जल्दी से, एक स्टेशन है मतलब कि पेट्रोल पंप है, वहीं पे मेरे को बंदा मिलेगा। मैं जगह पर पहुँच गया हूँ। फिलहाल भाई हमारे शहर के पुलिस वाले बंदे मिलिट्री वाले बंदे इतने ज़्यादा बिजी है बेचारे, प्रोटेस्ट के चक्कर में बाकी और चीज़ों के चक्कर में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं यहाँ पर आया जो इस जगह पे मैं आया हूँ ना, ये जो यहाँ पर अपना पेट्रोल पंप है, यहाँ पर इतने सारे बंदों ने कब्जा करके रखा हुआ है, मज़े ले रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है, तो यहाँ पे दादागिरी दिखा रहे हैं। मैं बनाता हूँ उनको दादाजी अभी। मेरे प्यारे भाइयों सच्ची में अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सही बता रहा हूँ, इतना बुरा होगा सभी के साथ में। ओहो दोस्त वाला मुर्गा भी है यहाँ पर। हेलो बॉयज क्या हाल चाल है, व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर, ओ हाँ भाई याद आ गया। तो भाई जल्दी से अभी तक आप लोगों ने अगर मुझे सोशल मीडिया पे बाकी और जगह फॉलो नहीं करा कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर वगैरह सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर के चेकआउट जरूर कर लेना। तो मेरे भाइयों आप लोगों में से जो कोई भी ये जानता हो ना गॉडफादर कहाँ पर है तो प्लीज मेरे सामने और मुझे बता दो, नहीं तो मैं पूछने के लिए मजबूर हो जाऊंगा और आपको पता है फिर ड्राइवर का पूछने का तरीका होता क्या है। एक बंदा मेरे सामने आ तो गया है, फिलहाल मेरे पास फोन भी आया बिग माफिया का, भाई उसको पता लग गया लूसीफर कहाँ पर है, पता नहीं अभी बात सच्ची है झूठी है, फिलहाल मैं इससे बात करके जल्दी से वहां पर निकलता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई तो जल्दी से मेरे को बता गॉडफादर कहाँ मिलेगा, मेरे को बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि भाई देखो लूसीफर नहीं मरना चाहिए अभी। ड्राइवर भाई मैं ये तो नहीं जानता बॉस कहाँ पर है, बट मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ जिससे आप शायद से हम लोगों को जिंदा छोड़ दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है बिग माफिया के भाई को किसने मारा, बट हमें पता है वो हमारे बॉस ने मरवाया था, हमने ही तो बम लगाया था ड्राइवर भाई जा करके। बस मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मेरे को लगता है शायद से आपको काम आ सकते हैं इन्फॉर्मेशन, क्या प्लीज अभी आप हमको जिंदा छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा भाई, इसको पता तो नहीं गॉडफादर कहाँ पर है, बट जो इसने मेरे को बात बताई है, अबे चल चल मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल जल्दी से, क्योंकि भाई मेरे को इनोसेंट साबित करना है लूसीफर को बिग माफिया के सामने। इससे क्या होगा ना बिग माफिया का उसके ऊपर गुस्सा हट जाएगा और सब सही हो जाएगा। जल्दी चल मेरे भाई, तेरी खबर ये बिल्कुल सच्ची है ना, गॉडफादर ने बम लगवाया था प्लेन में, अगर तेरी बात झूठी निकली बहुत मारूंगा, चल मेरे साथ चल। फिलहाल भाई मैं पहुंच गया हूँ, मेरे को यही लोकेशन दी थी लेसर ने, जल्दी 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 कहाँ पर है यार ये बिग माफिया, फोन नहीं उठा रहा, मैं काफी टाइम से इसको फोन लगा रहा हूँ, मैं पहुंच तो गया बस काश यार वो कुछ उल्टा सीधा काम ना कर दे। वे बिग माफिया नमूने अगर तूने उसको मार देना मैं तेरे को बहुत मारूंगा। फिलहाल मैं उस बंदे को अपने साथ में लेकर के आ चुका भाई, क्योंकि मेरी नहीं मानेगा बिग माफिया, उसको प्रूफ सुनवाना पड़ेगा ना दूसरे बंदों की बातों से। तो जल्दी से यहाँ से जाने का रास्ता भी नहीं है, क्या यार कैसी जगह है ये, यहाँ पे क्या कर रहा है लूसीफर, वैसे लूसीफर कर क्या रहा है यहाँ पे, मेरे को ये भी पता करना पड़ेगा भाई। फिलहाल चलिए जल्दी से मैं अंदर तो निकल जाऊँ पहले, ओके भाई मेरे को अंदर आने का रास्ता मिल चुका है, चल 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 ड्राइवर ब्रो, चल 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 बहुत बढ़िया, ओके भाई अंदर पहुँच गया ड्राइवर भाई। बिग माफिया कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है बिग माफिया, कुछ उल्टा सीधा काम ना करते, ओके भाई बिग माफिया मेरे को दिख चुका है इस तरह, बिग माफिया ब्रो गोली मत चलाना मैं आ गया, देख उल्टा काम मत करना बिल्कुल भी भाई। बिग माफिया ने इसके ऊपर एम करके रखा है शायद से, एक सेकंड भाई यहाँ पे बेबी भी है, ओए नमूने बाहर गाड़ी से बाहर जल्दी से बाहर, हेलो 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 भाई बिग माफिया रुक जाओ रुक जाओ भाई, देखो बेबी रो रहा है, बट क्यों रो रहा है ये, शायद से डर गया होगा, देखो देखो टेंशन मत लो बिग माफिया, बिग माफिया मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरी बात सुन, देख मारना है ना मार देना, बट पहले मेरी बात सुन चाचा यहाँ पर फटाफट से। हाँ बिग माफिया सर, ड्राइवर भाई बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा, मेरे बॉस गॉडफादर ने ही आपके भाई के प्लेन में बम रखवाया था जानबूझ के,
उन्होंने ही आपके भाई को मरवाया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जा करके चेक कर लीजिए, बाकी और बंदों से पता कर लीजिए, हमने ही ये सारा काम करा था उनके कहने पर, हम मजबूर थे, प्लीज माफ कर दिए, बिग माफ है भैया। बहुत बढ़िया हुआ, तो अब आपको यकीन आया ना, सच्ची में लूसीफर ने कुछ नहीं करा, वो शरीफ बंदा है, उसने कुछ नहीं करा, आप गलत समझ रहे हो। फिलहाल परेशान मत हो, अरे बेटे बेबी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, टेंशन मत ले, क्यों रो रहा है तू? अबे लूसीफर क्या किया तूने इसके साथ में, ये क्यों रो जा रहा है? फिलहाल पता करना पड़ेगा। और भाई तुम कहाँ भाग गए थे आइलैंड से, जरा मेरे को बात बताओगे? ट्रेवर मेरी बात ध्यान से सुन मेरे भाई, फिलहाल जब तू मुझे पहली बार मिला था जब अलग बात थी, बट अब अलग बात है, अब मैं तुझे अपनी पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना और समझना कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। बट फिर भी मैंने सब कुछ भुला दिया अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इससे प्यार करता हूँ। फिलहाल भाई साहब मैंने कभी नहीं सोचा था, बिग माफ है भैया, ये तो बड़ा कमाल की बात है यार, गवर्नमेंट को तो डूब के मर जाना चाहिए, बहुत बुरा हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे, मेरे को बात बताइए, मैं चलते चलते आपको सारी बात बताता हूँ। फिलहाल ये बंदा पता है कौन है, जो बेबी है रिचेस्ट किड ऑफ हमारे लॉस सैंटोस का, उसके पापा मैंने बोला था उसके मोम डैड एक हादसे में मारे गए थे। फिलहाल भाई उसमें थोड़ा चेंज है, वो गवर्नमेंट ने झूठी बात फैलाई थी, इसकी मोम तो सच में मर गई थी किसी वजह से, बट वो एक झूठी अफवाह थी, वो दोनों साथ नहीं मरे थे। मोम कुछ टाइम पहले मरी थी, एक दो महीना पहले, जो इसके पापा थे वो मरे नहीं थे, गवर्नमेंट ने उसको किडनैप कर लिया था घर से ही, किसी वजह से, शायद से कुछ जानते थे गवर्नमेंट के बारे में, इन्होंने ये बात तो मुझे नहीं बताई है, बट ये बताया कि उन्होंने मुझे उठाया मेरे घर से, मैंने वो चीज़ देने से मना कर दिया, तो उन्होंने लूसीफर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया बहुत बुरी तरीके से। उस बंदे का लूसीफर है ही नहीं, इसने अपना नाम बदल के फिर लूसीफर रखा, क्योंकि सबसे बदला लेने के लिए लॉस सैंटोस में दोबारा आया। गवर्नमेंट ने जब इसको पकड़ा, इसके ऊपर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करे, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बुरी तरीके से खराब हो चुकी है, इसकी स्किन उतर गई पूरी भाई, खाल वगैरह उतर गई आधे आधे बॉडी पार्ट से, इसके साथ बहुत बुरा हुआ, देखा जाए तो काफ़ी बुरा हुआ। फिर इसके सर में पता नहीं क्या लगाया, ये मिलिट्री वालों ने सब कुछ किया भाई इसके साथ में। फिर ये काफ़ी दिनों तक बेहोश रहा, दिनों क्या महीनों तक बेहोश रहा, फिर इसको होश आया, धीरे धीरे से उन्होंने आपको पहचाना, इसकी मेमोरी वापस आई, फिर इसको गुस्सा आया, इसको बदला लेने की मतलब पूरी भावना आ गई अंदर कि मैं ख़त्म कर दूंगा लॉस सैंटोस को और पूरे सभी बंदों को, मतलब ए टू जेड। फिर क्या होता है, ये लॉस सैंटोस आता है दोबारा से, लॉस सैंटोस को बताया हाल ही में कुछ टाइम पहले ही आया है, तो लॉस सैंटोस में आकर के इसको अपने बेटे के बारे में याद आया, इसकी मेमोरी पे फर्क पड़ा था भाई, इस चीज़ से सब कुछ धीरे धीरे भूल गया था, ये अपने छोटे से बेटे को भूल गया था, ये जो बच्चा है इसी का बेटा है तो ये इसको भूल गया था। फिर एक दिन इसको ये बेटा याद आया अपना, इसने आपको याद है मुझे बोला था कि मैं इसको काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को ये बच्चा चाहिए, तो इसने इसीलिए इसको मुझसे किडनैप करवाया ताकि अपने बेटे को अपने पास में रख सके, बस यही एक पॉइंट था भाई, और कुछ नहीं था इसके साथ, ये और कुछ नहीं करने वाला था, इसको सिर्फ अपना बेटा अपने पास चाहिए था, इसलिए इसने मुझसे मंगवा लिया, इसको पता था ट्रेवर आराम से सारे काम कर देता है, सभी के बीच में से ट्रेवर इसको लेकर के आराम से आ जाएगा, बंदों को मार करके किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पापा नहीं चाहते थे कि कोई भी ये जाने कि ये अभी भी जिंदा है। बट फिलहाल लूसीफर अभी भी दुनिया के सामने मरा हुआ ही रहना चाहता है, अपने बेटे के साथ में जीना चाहता है। पॉइंट अभी ये है, जब इसने अपने बेटे को अपने पास मंगाया तो ये अपने बेटे के साथ रहा। शुरू में भाई ये बच्चा बहुत डरा इनसे, बट फिर धीरे धीरे इस बच्चे को पता चल गया कि ये मेरे डैड है भाई, सीधी सी बात है, इसको कुछ ऐसी चीज़ पता होगी अपने पापा के बारे में जो लूसीफर ने इसको बताई, और बस फिर लूसीफर भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया अपने बेटे के प्यार में। इसने भी सोचा कि बस बदले से कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने बेटे के साथ में रहूँगा, जैसी मेरी हालत है कोई बात नहीं, बट मैं अकेला रहूँगा, इसके साथ हमेशा रहूँगा। तो फिलहाल भाई इसीलिए लूसीफर भी उस आइलैंड को छोड़ करके चला गया, ताकि हमेशा हमेशा अपने बेटे के साथ रह सके। अभी भी यहाँ पे भाई छुपा हुआ था कुछ टाइम के लिए, ताकि यहाँ से निकल जाए चुपचाप, सभी को छोड़ के, अपनी पावर्स को छोड़ के, इतने टाइम से इतने पावर्स इकट्ठा करी, पैसे इकट्ठा करे, उन सभी को छोड़ करके एक आम जिंदगी निकलने के लिए जा रहा था, मतलब जीने के लिए जा रहा था। बट मेरे भाई लूसीफर में समझ नहीं पा रहा, तुम्हें ऐसे देख के आम कोई सोचेगा नहीं, तुम्हें अमरूद समझ लेगा और डर जाएगा भाई, तुम्हारी बॉडी का इलाज करो तुम पहले, तभी तुम आराम से जी सकते हो अपने बेटे के साथ में। बट यार फिर भी इस बंदे की स्टोरी मेरे को सच्ची में बहुत अच्छी लगी, इसने काफ़ी कुछ झेला है अपने ऊपर, मतलब गवर्नमेंट ने इसकी लाइफ बर्बाद कर दी, इसके बेटे से इसको दूर कर दिया, बट फाइनली फिर भी इसके बेटे के प्यार ने इसको सही करा और ये हमेशा के लिए सुधर चुका है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिग माफ है ब्रो, अगर तुम इसको मार देते बड़ा पाप लगता तुमको, तो यार बहुत गलत किया, ये सारा रायता ना गॉड फादर ने फैला के रखा हुआ है। तो फिलहाल जो डेटा इन्होंने मेरे से लिया था, मैंने उसकी बात कर ली है, बोल रहे ट्रेवर टेंशन मत लो, तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा तुम ठीक हो ना, मैंने बोला था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो ठीक है लूसीफर ब्रो आप निकलिए, पहुंच जाइए बेटे के साथ में, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा ठीक है, जैसे भी होगा। तो बिग माफ है ब्रो, अभी तुम्हारा भी और मेरा भी एक ही शिकार है, गॉड फादर। थैंक यू ट्रेवर, तुमने मुझे पाप करने से बचा लिया, एंड सो सॉरी यार, मैं बहुत जल्दी से भावना में बह जाता हूँ, बट अब की बार हम दोनों छोड़ेंगे नहीं गॉड फादर को, उसको खत्म कर देंगे, उसको ढूंढते हैं,
बाकी सॉरी लूसीफर ब्रो, सो सॉरी बेटा, मेरे को नहीं पता था सब कुछ ऐसा होके रखा है। बहुत बढ़िया, तो चलिए भाई इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, चल मैं निकल ले पतली गली से, नहीं तो बहुत मारूंगा तेरे को। वैसे इस बंदे को मैंने प्रॉमिस करा था नहीं मारूंगा, क्योंकि भाई इसने काफी प्रॉब्लम सोल्व करवाई है। बहुत अच्छी, चल तू निकल ले। मेरे पास फोन करता है लेस्टर, मुझे फोन करके बोलता है कि गॉडफादर मर गया ट्रेवर, प्रॉब्लम सोल्व हो गई, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गॉडफादर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पता है लेस्टर का कहना यह है कि ट्रेवर अभी जो ये गॉडफादर था ना, ये अपनी जान बचा के भाग रहा था, उसको पता चल गया था कि तू उसको जान से मार देगा, आ रहा है उसको मारने के लिए, इसलिए उसने सोचा क्यों ना प्लेन लेके भाग जाता हूँ। तो वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, प्लेन लेकर के जा रहा था, प्लेन में खराबी हुई, प्लेन वहीं पे मर गया, मतलब प्लेन वहीं पे डूब करके मर गया। नहीं नहीं ये क्या बोल दिया मैंने, मतलब प्लेन वहीं पे क्रैश हो गया। अब जमीन पे कोई डूब के कैसे मर सकता है, बड़ी कमाल की बात चल रही है। तो पॉइंट अभी कहने का ये है, बात में दम नहीं है, गॉडफादर मर जाए ऐसा हो नहीं सकता, इसको तो मैं ही मारूंगा, चाहे कैसे ही मारना पड़े, जिंदा करके मारेंगे। भाई मैं आ गया हूँ, ये काफी बड़ा प्लेन है, कार्गो प्लेन तो मुझे लग नहीं रहा, फिर कार्गो प्लेन जैसा सही है थोड़ा थोड़ा, वैसे कार्गो प्लेन से ज्यादा बड़ा होता है, ये कार्गो नहीं है बट प्लेन तो है, बट भाई काफी बुरा फट के रखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे होंगे, अमेजिंग लेवल है। तो गॉडफादर प्लानिंग कर रहा है, मैं समझ चुका हूँ, अब चलते हैं बाबा के पास में, क्योंकि काफी चीजें भाई हम लोगों ने देख ली है, जितना लगभग हम देख सकते थे हमने देख लिया, अब सारा काम करेंगे बाबा। बाबा भी कब काम आएंगे, बाबा कुछ बता ही नहीं रहे भाई, मजे लेने में लग रहे हैं। गॉडफादर ब्रो यहाँ पर हो क्या, बाहर निकल के आओ, कद तो भाई कुछ नहीं है, ये सब सेटअप है, मैं समझ गया, ये मुझे डाइवर्ट करने वाली चीज है, ताकि मैं सोचूं वो मर गया और मैं फ्री हो जाऊं और बात खत्म। तो वैसे भी एक बात बताओ भाई, हमारी शादी हो सकती है बड़ी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस जल्दी से मेरे को अपने आप को पहले बेगुनाह साबित करना है, उस गॉडफादर को पकड़ के मेरे को सारा कैश लेना है और बाकी और चीजें करनी है, जैसे कि लेस्टर के ऊपर से ब्लेम हटवाने हैं, माइकल को, फ्रैंकलिन को, इन सभी को ढूंढना है, जल्दी पहुंच करके, लेट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मैं भाई जगह पर आ चुका हूं, तो बाबा जी यहीं पर मिलने वाले हैं। हेलो बाबा जी, वेयर आर यू? ओके भाई बाबा मिल गए मेरे को, बाबा खड़े हुए हैं पर कॉफी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ तो पीने में लगे हैं। बाबा जी, भाई बाबा तो अलग ही मजे ले रहे, कॉफी पीते हैं, मैंने तो आज देखा है बाबा जी बड़े मूड में लग रहे हैं, क्यों क्या हो गया? आओ ड्राइवर, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ नहीं बेटे, बस एक छोटी सी खुशी होने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि आज मेरा बेटा काफी कमाल की चीजें करेगा थोड़ी ही देर में, आज उसकी लाइफ सिंगल से डबल होने वाली है। अब बस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा ड्राइवर, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है तुम यहाँ पे गॉडफादर के लिए आए हो। गॉडफादर ये बड़ा ही कमाल का आइटम है, तो सुनो मेरी सारी बातें, तुम्हें वो कहां पर मिलेगा, फिलहाल मैं तुम्हें पहुंचाता हूं जल्दी, तैयार रहो, बस तुम पहुंचने वाले हो ड्राइवर, मैं गिनता हूं गिनती, 5 4 3 2 पहुंचो। भाई मैं आ गया हूं, बाबा ने एक जगह मेरे को भेजा। अरे रे 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 रे, ये आपको याद है जगह, बाबा का ड्रीम वर्ल्ड भाई, जहां पे मेजबान बिल्डिंग भी सोने की होती है, यहां पे गॉडफादर है, अमेजिंग लेवल की चीजें हैं। तो फिलहाल यहां पे ये आया कैसे वो अब मैं पता करूंगा। मर गया बेटे ट्रेवर, सॉरी आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, कृपया रिचार्ज कराए। तो फिलहाल भाई आराम आराम से मेरे को जाना पड़ेगा, उतर उतर के, देखो थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जगह बड़ी भयंकर है, यहाँ पे गिर करके चोट लग जाएगी। ट्रेवर ब्रो ऐसे उतरो, ऐसे उतरो, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई फिलहाल मैं नीचे इधर पहुंचूंगा, इतना ज्यादा फोग होकर के रखा है आज, तो काफी ज्यादा फोग है, मुझे बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही, आसपास की चीजें दिख रही है, एक तो बारिश गलत टाइम पर आ गई है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ड्राइवर वैसे साइड साइड से जाता रहे ब्रो, पानी में मत गिर जाना। तो ठीक है भाई चलो मैं लास्ट तक जा करके चेक करता हूँ यहाँ पे कौन बंदा मुझे मिलेगा या कौन बंदा नहीं मिलेगा। भाई मुझे ऐसे लग रहा है शायद से फोक के आर पर कोई खड़ा हुआ है। हाँ भाई कोई खड़ा है, कोई तो खड़ा है, एक सेकंड भाई इसको फोन करके चेक कर लेता दूर से, कौन खड़ा है वहाँ, चेहरा तो दिखाइए जरा। ओ भैया गॉडफादर, बट कैसे बाबा जी, मेरे को यकीन नहीं है इस बात पे। भाई इससे पहले भागे है नमूने गॉडफादर ब्रो, हेले बीड़ी पिएगा यहाँ पर, रियल ही बंदा है, कोई होलोग्राम नहीं है। बट बाबा के वर्ल्ड में कहाँ से आया, अबे पैर तोड़ डालूंगा मैं, हेले बेटे अब उठने की कोशिश मत करना। तो फिलहाल भाई गॉडफादर था, अभी असली था नकली था ये पता नहीं है आपको, बताए एक गॉडफादर और भाई आपको वहां पर मिला था मुझे, अब ये वही है नहीं है ये पक्का नहीं बोलूंगा, जिसने मतलब मेरे को बंद कर दिया था टनल में जा करके, जब मैं अपने भाइयों को बचाने के लिए गया था वो होलोग्राम मेरे को मिले थे। तो फिलहाल तसल्ली से मारूंगा इस नमूने को। बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिल्डिंग्स देख रहे हो कैसे पड़ी है सोने की, भाई काफी ज्यादा बारिश की वजह से हम देख नहीं पा रहे बिल्डिंग को, बट कोई बात नहीं फिलहाल इसको उठाता हूँ। गॉडफादर से मैंने सब कुछ पता कर लिया भाई, ये तो बड़े अमेजिंग लेवल के काम चल रहे हैं भाई, सही में यार अमेजिंग लेवल, सही में सही में सही में। हेलो ब्रो व्हाट्सअप फेसबुक गॉडफादर जी, इतना पीटूंगा बहुत ज्यादा। तो फिलहाल चलिए मैं बताता हूँ इसने क्या क्या मुझे बताया, फिलहाल तो बता दिया क्योंकि हड्डी तोड़ डाली मैंने इसकी पीट पीट के, अब तो बताना ही पड़ेगा नहीं तो मैं यहीं पर डाल दूंगा इसको पानी में। ये सही में बाबा का रियल वर्ल्ड है भाई, ये नमूना पता है इसको ये सारी चीजें कैसे मिली, कैसे ये इतना अजीब बना, कैसे इसमें कुछ पावर्स है भाई फिलहाल आज की डेट में,
मैं नॉर्मल बंदा नहीं है, बाकी बातें बाबा क्लियर कर देंगे, बट वैसे भी सारी बातें 99% क्लियर हो चुकी है। आपको याद है मेरे घर से डेटा चोरी हो गया था जब लूसीफर शहर में आया था, याद होगा आपको। तो डेटा ना इसने भी चोरी करा था आने से पहले, हमें वहाँ की फुटेज तो नहीं मिली थी। डेटा भाई फिलहाल कंप्यूटर जब मैंने पढ़ा एक बार कॉपी हुआ था, वो दो बार कॉपी हुआ था भाई, इसने वो हिस्ट्री मिटा दी थी ताकि मैं चेक ना कर पाऊँ। ये घुसा था लूसीफर के बंदों से पहले और ये भी गया था डेटा लेने के लिए, अमेजिंग। बट फिलहाल इसके बंदे भी गए थे वैसे तो, बट इसने पता नहीं कब निकाला। पॉइंट अब यह है, इसने भी डेटा निकाला उल्टे काम करे और इसने मेरे डेटा को पढ़ लिया। आपको बताइए, उसमें मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ था मेरी हिस्ट्री में, कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ, सारी चीज़ मैंने क्या करके रखी है, गॉडफादर को कब मारा, क्यों मारा, इसने सब पता कर लिया अपने बारे में कि ट्रेवर ने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या गलती करी थी, टाइम मशीन के बारे में, टेस्टर के बारे में इसको सब पता था, यहाँ तक कि मम्मी के बारे में इसको सब पता था। फिर ये एक जगह पे गया, इसने मम्मी के बारे में रिसर्च करनी शुरू करी। इसको ढूंढने पर बहुत दम लगाने के बाद में दो मंत्र ऐसे मिले मम्मी के जिससे पावर इसको धीरे धीरे मिलती रही। ये थोड़ा थोड़ा अजीब होता रहा, जैसे मम्मी थी अपनी वो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होती थी, ऐसे इसने वो चीज़ ढूंढ ली। इसने भाई वो मंत्र ढूंढा जिससे टेलीपोर्ट हो सकता है, बट फिलहाल अभी होने नहीं दूंगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि मंत्र पढ़ने की हालत नहीं है बंदे के पास, और मंत्र पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इसने वो याद नहीं करके रखा हुआ, लिख के रखा हुआ है, पढ़ नहीं पाएगा। तो पॉइंट ये है भाई, इसी वजह से फिर यहाँ तक आ सका। इसने फिर ये भी देखा कि ट्रेवर अपने बाबा के बिना कुछ नहीं करता, बाबा मेन पावर है ट्रेवर की, क्योंकि भाई आपको बताइए मैंने सब लिख के रखा डेटा में, बाबा क्या है, बाबा कौन है, इनमें कितनी शक्तियाँ हैं, तो इसने सब कुछ पता किया। और मैंने उसमें ये भी लिख के रखा था बाबा का एक ऐसा ड्रीम आइलैंड है जो बाबा ने खुद बना के रखा हुआ है, वहाँ पे सोने की बिल्डिंग्स है, तो ये यहाँ पर आके रखा हुआ था कुछ देर के लिए, वैसे ही मजे लेने के लिए कि चलो मैं बाबा की जगह पर घूम कर आता हूँ, ट्रेवर मेरे को यहाँ पे कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब कि कभी मेरे को नहीं ढूंढ पाएगा। और वही होता भाई, अगर बाबा मेरे को यहाँ पे नहीं भेजते तो ये तो मंत्र को यूज़ करके टेलीपोर्ट करके यहाँ पे घूम रहा था, मैं यहाँ कभी नहीं आता, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल इसने बहुत उल्टे काम करे, इसने फिलहाल सारे काम करे, अभी बस ये मुझसे बदला ही लेने वाला था। माइकल को और फ्रैंकलिन को ये मरवाने का ऑर्डर देता भी थोड़ी देर में बोल रहा है कि अभी वो जिंदा है, और पता है वो कहाँ पर है, जहाँ पर उनके होलोग्राम थे ना, वो उसी के पास में एक रूम है, उसी एरिया में, उसी जगह पे रूम में दोनों के दोनों बंद है। मैं फ़ोन कर दूंगा जा करके बाहर में कि लेस्टर मेरे को माइकल और फ्रैंकलिन मिल गए, उनको बचा ले जा करके, वो उसी टनल में थोड़े दूर जा करके एक रूम मिलेगा उसमें बंद है, वो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। तो फिलहाल इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी, इसने भी अपने बेटे को भाई मंत्र सिखाने की कोशिश करी, बट डेविल आपको बताया बदल चुका है, वो अभी गलत काम नहीं करता बाबा की वजह से, नहीं तो इसने डेविल को भी बोला कि ड्राइवर बदमाश है, ये है वो है, बट डेविल को इसने लाखों बार समझाया, वो नहीं माना। तो आखिरकार गॉडफादर ने आखिर में आकर के उसको बेचारे को कर दिया वहाँ पर बंद, जहाँ से मैं उसको लेकर के आया था, अमेजिंग लेवल है। और फिर मेरे सामने उसको करा जान से मारने का ड्रामा, ताकि मैं सोचूं इसने अपने बेटे को ही मार दिया, कि मैं कितना गुस्सा हूँ। बहुत कमाल का बंदा है, बहुत बहुत कमाल का बंदा है, लेकर के चलता हूँ इस नमूने को मैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इसने। बाकी जितने भी सारी सारी प्रॉब्लम थी इसकी तरफ से वो इसने ही करी थी भाई, वो बिल्कुल सच्ची बात है। और यही रियल गॉड फादर है, इसने मेरा डेटा पढ़ा, इस वजह से सारी की सारी बात हुई है। और मेन चीज़ और मत भूलना, एक और चीज़, वो चीज़ जो मेरे को अभी तक पता नहीं चल पाई थी, मेकर की जगह पे किसने ब्लास्ट करा, ये है वो। मैं सोच रहा था लूसीफर ने किया है, इसने किया था, डेटा इसने पढ़ा था ना, इसने सीधा मेकर के ऊपर अटैक कराया। इसको नहीं पता मेकर जिंदा है मर गया, ना मुझे पता, पता नहीं भाई वो कहाँ पर है, जब मिलेगा तब के तब देखेंगे। बट इसने उसको मारने की कोशिश करी क्योंकि इसको पता था ट्रेवर का भाई है। मैं और गॉडफादर भाई दोनों एकदम से यहाँ पर दोबारा टेलीपोर्ट हो चुके हैं। बाबा अमेजिंग लेवल के भाई बंदे हैं सच्ची में, ये पड़ा पीछे नमूनों का सरदार, इसको भी बाबा ने मेरे साथ ही टेलीपोर्ट करवा दिया। इसका तो पानी भी नहीं सूखा अभी तक भाई, देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पर बारिश थी और यहाँ बारिश नहीं होकर रखी। तो फिलहाल इसको मैं लेकर के जाऊँगा सेफ जगह पे, ये जिंदा है, इसको आराम से प्यार से मारेंगे। तो फिर बाबा पहले मेरे को लूसीफर के बारे में बताए थे, वो तो बंदा शरीफ निकला बेचारा यार, आप भी फ्री में, मैं तो उसको मार डालता नहीं। तो चलो जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, गॉडफादर पकड़ा गया, सारे काम सही हो गए। अब चलते हैं मिलिट्री के पास क्योंकि उनको पैसे लौटाने ना भाई। तो सॉरी ट्रेवर भाई, हम लोगों ने आप पर शक किया, आप तो सही में लोस सैंटोस को बचा रहे थे, आप तो सच में काफी ग्रेट इंसान हो। सो सॉरी हमने आपके लेस्टर भाई के ऊपर शक करा, अभी सभी के ऊपर से चार्जेस हटा दिए गए हैं, आप फ्री मैन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप अभी जहाँ जाओ घूम सकते हो। लेस्टर के ऊपर से सारे चार्जेस हट चुके हैं, आप वो भी फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने इनको सारी बातें बता दी है, पैसा भी इनके पास वापस पहुंच चुका है। पैसा कहाँ से आया मैं आपको बता दूं, पैसा कहाँ से आया, पैसा कभी भाई कभी गया ही नहीं था, मैंने उसको कभी हैक किया ही नहीं था। मैंने हैक किया था, किस चीज़ को हैक किया था, सैटेलाइट को हमने हैक करवाया था आपको याद है, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन का पासवर्ड पूछा गया था, तो वो एक खेल था। मैंने आंखों में धूल झोंका है पूरे लॉस सैंटोस के और गॉडफादर के, पैसा कभी भी किसी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, ना गॉडफादर के अकाउंट में और ना ही किसी के अकाउंट में। उसने बोला था एक अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर करो, मैंने पता क्या करवाया था लेस्टर ने, जब हमने सैटेलाइट को हैक करा तो सैटेलाइट में इतनी पावर्स है वो किसी भी चीज़ को फ्रीज करके फेक चीज़ें बना सकती है। तो हमने सैटेलाइट से ऐसी चीज़ें बनाई कि पूरे लॉस सैंटोस के जितने बैंक अकाउंट्स सब फ्रीज कर दिए और उनमें जीरो बैलेंस शो करा दिया,
जिससे क्या होगा, ना तो बंदा कोई पैसे निकाल सकता ना डाल सकता, और कोई चेक भी करना चाहे बैलेंस तो ना चेक कर सकता, चेक भी करेगा तो जीरो बैलेंस आएगा। ये मैंने करवाया लेसर से हैकिंग को यूज करके उस सेटेलाइट की हेल्प से। और उससे अगला पॉइंट, फिर जिस अकाउंट में उसने बोले थे पैसे डालने के लिए, उस अकाउंट में मैंने सारा पैसा शो करा दिया। बस मुझे पता था वो पैसे कभी नहीं निकालेगा, ये मेरे को फंसाने की कोई चाल है, इसलिए मैंने उसके अकाउंट में नकली बैलेंस शो करवाया उसको खुश करने के लिए। बस यही मैंने काम किया। और अभी मैंने उस चीज़ को लास्ट में जब फोन कर दिया था मैंने लेसर को कि लेसर प्लान ने वर्क कर दिया है, अभी तू जल्दी से आराम से सब कुछ सही कर दे, तो लेसर ने मेरे आने से पहले ही सब कुछ सही कर दिया था। मतलब कि जो बैंक में बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा था वो दोबारा से दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब पैसा वहीं पर था भाई, बस वो हाइड कर दिया था मैंने अपनी पावर्स को यूज़ करके, हैकिंग को यूज़ करके। अभी जनता के पास दोबारा से पैसा दिखना शुरू हो जाएगा। लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक चीज़ भूल गया होगा, तो वो सारी चीज़ें जैसे कि अभी मिसेस विल्सन, उनका कुछ नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब वो क्या कर रही थी मेन लेन में, उनका कुछ नहीं पता। दूसरी बात टेरी भाई, उसका पता कर लिया हमने। टेरी बेचारा बिजनेस ही कर रहा था उन बंदों के साथ में, मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करी भाई उसने, वो शरीफ बंदा है अभी तक, तो आगे का कुछ नहीं बोलूंगा, अभी तक वो शरीफ बंदा है। मैंने बिग माफे से फ़ोन करके सारी बातें बोल दी कि भाई तुम्हारा भाई शादी कर रहा है, बड़ा से अपने लिए कपड़े वड़े सिलवा लो या फिर उनको पहन के आ जाओ, मैं 3-4 घंटे के अंदर शादी कर रहा हूँ। मैंने निकी को बोल दिया, निकी रेडी हो जाए फटाफट से घर से, डोगी उसको ले जा। निकी अभी देखो मेरे डोगी से ज़्यादा जान पहचान नहीं है, वो आज ही पहली बार उनसे मिलेगी, बट वो पहुँच गई होगी भाई जल्दी से, मतलब घर पे पहुँच के उनको ले जाएगी, उनको भाई नहलवाएगी, उनके नाखून वगैरह कटवाएगी और उनको रेडी करेगी शादी के लिए। हम भी रेडी होते हैं जल्दी से, आज ही शादी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था जिस दिन मैं सोल्व कर लूँगा गॉडफादर के भाई का केस उसी दिन मैं शादी करूँगा। तो चलिए भाई आज ही करते हैं, कल की किसने देखी है, आज ही करूंगा, क्या पता कल कोई नया दुश्मन आ जाए। मैंने लेसर को सब समझा दिया है, वो लोस वालों से बात कर रहा है, देखते भाई वो मानेंगे नहीं मानेंगे। और मैंने डेकोरेशन वाले बंदे को बुला लिया है, मैंने खाने वाले बंदे को बुला लिया है, हर एक चीज़ के लिए बुला लिया, देखते हैं बस कुछ टाइम देखो जाएगा भाई, एकदम से नहीं होगा। जितने गेस्ट को मैं बुला सकता हूँ सबको बुलाता हूँ, और देखते हैं जितना भी मैं कर पाऊंगा 3-4 घंटे के अंदर अंदर उतना अरेंजमेंट कर लेते हैं और शादी करते हैं। तो भाई आप लोगों ने देख ही लिया पूरा का पूरा फ्लैशबैक, तो ये हुआ था हमारे साथ में, सब कुछ ठीक हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, सब बढ़िया, लेस्टर बढ़िया, फ्रैंकलिन बढ़िया, माइकल बढ़िया, वो दोनों टनल में मिल गए थे, जैसे कि भाई हमने रूम में जाकर चेक करा वो दोनों वहाँ पर मिल गए। गॉडफादर को बांध के रखा हुआ है, उसका बाद में सोचेंगे क्या करना है, सब सही है। लूसीफर भी ठीक है, उसका बेटा भी ठीक है, अपने बिग माफिया भी खुश है, सब बैलेंस में आ चुके हैं सारी चीज़ें, टेरी से कोई दिक्कत ही नहीं है। मिसेस विल्सन के राज पता करने हैं, बाकी उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारी चीज़ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जो कुछ भी था सब गॉडफादर के प्लान था। तो चलो मारो उस चीज़ को गोली, सब कुछ सोल्व हो चुकी है, अब करते शादी की बातें। तो फिलहाल मेरे फादर जी, कितना टाइम लगेगा, मेहमान आने शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी से, यार ये फादर बिना बड़े ढीले हमारे। चलो ठीक है ठीक है, आप जल्दी सारा काम करो। तो फिलहाल चलिए भाई मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, जब तक आप लोग फ्लैशबैक देख रहे थे एक चीज़ और हो चुकी है शहर में इंप्रूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था तैयारियाँ भी चल रही है, पूरी नहीं हुई है, तो आप सामने देख रहे हो ट्रेवर के नए नए बैनर्स। भाई आपको याद है लास्ट टाइम में थोड़े अलग थे, बड़े और काफ़ी अलग है अब की, और ये वो वाला बैनर नहीं है जो लास्ट टाइम ट्रेवर की शादी है दोबारा, आप मान करके चलो, वैसे तो पहले करवाई थी इसकी, बट अब की बार करवानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हुई नहीं ना, हम पास्ट में आ गए। तो पॉइंट अब ये है, मैं आपको ऊपर से दिखा पाऊंगा, तो मैं हेलीकॉप्टर बुलाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। अब की बार जो बैनर्स है वो मैंने काफ़ी अलग छपवाए हैं, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए, अलग होने चाहिए बैनर्स, अब की बार भी बहुत अच्छा बैनर है। तो चलिए निकलते हैं, देखते हैं भाई, मैं आपको पूरे पूरे बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाता हूँ शहर में ट्रेवर के, पूरे शहर में सभी को इनवाइट करके रखा है मैंने, अरेंजमेंट बिल्कुल सेम ऐसे रखा है जैसे पहले रखा था, डेजर्ट में अरेंजमेंट है। अपने काली भाई वाला जो घर है मैंने उसको आज रेंट पे ले लिया, मैंने बोला काली भाई घर से बाहर निकलो, आज मेरे को यहाँ पे शादी की तैयारी करनी है, ताकि पूरे शहर के मिलिट्री वाले बंदे और पुलिस वाले बंदे वहाँ पे खाना खा सके। भाई देखो अलग अलग सेक्शन में बांट दिया है, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था मैं घर पे अपने खास खास बंदों को बुलाऊंगा और पूरे शहर में जो बाकी बंदे हैं खाना सबको मिलेगा, पूरे लॉस एंजेलिस को मिलेगा, बट अलग जगह पे, एक जगह पे नहीं भाई, नहीं तो आपको पता है पैर रखने की जगह नहीं होगी और पूरा घर का चिड़ियाघर बन जाएगा। भाई हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, लेसर के बंदे दे के चले गए हैं, तो सामने की तरफ देख रहे हो ट्रेवर और निकी कैसे आराम से खड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये पोस्टर भाई काफी मजेदार मेरे को लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को छपवा डालते हैं पूरे शहर में। देख रहे हो ऐसी अलग लेवल की, खतरनाक लेवल की शादी आपने देखी है लॉस एंजेलिस में, शायद से नहीं देखी होगी भाई, क्योंकि ट्रेवर का लेवल ही अलग है, ट्रेवर ही कर सकता है ऐसी ऐसी शादियाँ, और किसी में कहाँ दम रखता है भाई ट्रेवर जैसी शादियाँ अफोर्ड करना, इतना पैसा किसके पास है, बड़े गरीब बंदे लोग सेंडोस में। और वैसे भी चलो पैसा भी होगा, स्वैग कहाँ से लेकर गाएंगे, ये स्वैग तो ट्रेवर का ही है सिर्फ, और किसी में ऐसा स्वैग है ही नहीं, पूरे शहर को ही सजवा दिया भाई, इसको कहते हैं असली दम। फिलहाल चलिए देखा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको आगे चले, तो चलिए देखते हैं। तो भाई पूरे जीटी की हिस्ट्री में ऐसी शादी किसी ने नहीं करी होगी, हिस्ट्री तोड़ता है ड्राइवर हमेशा। अब की बार काफ़ी अच्छे मैंने और भी इंप्रूवमेंट कराया जो लास्ट बार हम नहीं करवा सके थे, तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे भाई मज़ेदार अरेंजमेंट है ना। देखो यार इतना ही मैं करवा सकता था, 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम हुआ है, ये तो अच्छी बात है। फोटोज मेरे पहले से ही पड़े हुए थे और ये सारा काम मैंने पहले ही करवा के रखा हुआ था। ये जो पोस्टर मैंने आज नहीं छपवाया, ये पोस्टर मैंने उसी दिन पिछले हफ्ते छपवा दिए थे,
जब मेरी अगले दिन शादी होने वाली थी, बट वो नहीं हुई, डिले करनी पड़ी बिग माफिया के भाई की वजह से। नहीं तो शादी अगले दिन ही होने वाली थी, मैंने आपको बोला था, बट वो आपको पता ही हादसा हो गया तो डिले करनी पड़ी। नहीं तो ये बैनर पोस्टर वगैरह सब रेडी थे, बस आज इनको फ़ोन करा और बंदे पहुँच गए, हेलीकॉप्टर को लाया और यहाँ पर इनको उड़ाने में लग गए। जब तक शादी होगी तब तक ये उड़ते ही रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला था। ट्रेवर ब्रो चलिए वापस तरफ निकलते, अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा काली भाई के घर पे, आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जा करके, वहाँ पे कितनी मस्त मैंने अरेंजमेंट करके रखी है, फिर उसके बाद शादी करनी है। फादर ने बोल दिया थोड़ी देर में सारा काम हो जाएगा, जल्दी ब्राइड को बुलाओ, और मेरे रोकी डोगी भी निकी के साथ ही है, वो भी साथ में आएंगे। बहुत अच्छी शादी होगी भाई, जितना मैंने सोचा उतनी उम्मीद से अच्छा हो, बस कोई दुश्मन ना आ जाए शादी में। मैं पहुंच गया हूँ भाई काली भाई के घर पर, मैं पहुंच गया हूँ भाई, मैंने यहाँ पे आराम से लैंड करा दिया अपने प्यार से हेलीकॉप्टर को। तो फिलहाल पोस्टर एक यहाँ भी लगा हुआ है भाई, काफी बड़ा, जहाँ पे शादी के अरेंजमेंट है खाने पीने का। तो भाई फिलहाल देख रहे हो पुलिस वाले बंदे आना भी शुरू हो गए, यहाँ पे मिलिट्री वाले पुलिस वाले बंदे, इन सभी की सेवा के लिए मैंने बंदों को रखा हुआ है। और फिलहाल भाई यहाँ पे जितने भी बंदे सारे लोस्ट वाले, मैंने आपको बोला था लोस्ट वाले बंदों से लेसर बात कर रहा है, लोस्ट वाले बंदों ने भाई मेरी बातों को मान लिया, उन्होंने बोला ट्रेवर भाई की शादी है, नो प्रॉब्लम, हम आएंगे सारा का सारा काम करेंगे, बारातियों को पूरा खाना खिलाएंगे। तो बंदों ने मेरी बात मान ली है, पैसा मिलेगा इनको काफी अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो भाई क्या हाल चाल है, ड्राइवर पहुंच चुका जिसकी शादी है, थोड़ी तो इज्जत दो भाई नमूनो, बहुत बुरा पीटने वाला हो। तो चलिए भाई देख लेते हैं शादी का अरेंजमेंट, अच्छा लग रहा है ना ये भाई, देखो 3 घंटे में तो ऐसे ही होता है, अब इतने में ही होगा, और वैसे भी इतना बुरा नहीं है भाई, काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट मैंने करवाया है बंदों से, मस्त तरीके से बैठ कर खाना खाएंगे आराम से, ड्रिंक है सब कुछ अरेंजमेंट है, लोस्ट वाले हैंडल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, लोस्ट वाले बहुत बढ़िया बंदे हैं, सारा काम कर रहे हैं, पुलिस वाले आने भी शुरू हो गए, लोस्ट वाले खाना भी बना रहे खुद। अबे नमूना मैंने ये तो नहीं बोला था, अबे किसी बनाने वाले को रख लो, शेफ को खुद ही लग गए, बहुत बढ़िया। अबे नमूने तो खाना कैसे बना रहा है बे, ये बहुत बढ़िया गिलीच है भाई, ये खाना उड़ रहा है इसका देखो जादू, अबे भाई ये क्या कर रहा है लोस्ट वाले, चलो इसको इग्नोर करो। तो फिलहाल पॉइंट अभी ये भाई, ये अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर करवाया काली भाई घर पे, आप देख ही रहेंगे ऊपर पोस्टर दिख रहा है, इससे पहचाने के यहाँ पे खाना चल रहा है, आओ उड़ा के चले जाओ, मतलब जितना खाना खाओ फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, जितने बंदे आएंगे खाना चलेगा पूरे रात के 12 बजे तक आराम से खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा घर पे पैक करवा के ले जाओ, 10 दिन के लिए ले जाओ, 20 दिन के लिए ले जाओ, जितने ले जा सकते हो ले जाओ, बट खाना सड़ जाएगा कोई फायदा नहीं है, बाकी ले जाने का कोई मना नहीं करेगा। भाई मैं वापस से घर पर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि भाई दुल्हा ही बाहर रहेगा तो शादी कैसे हो पाएगी, सब मेरा वेट कर रहे, माइकल फोन में फोन कर रहा है, आज नमूने कहाँ चला गया, मैं आपको दिखाने के लिए गया था शादी के अरेंजमेंट, फिलहाल दोबारा दूसरी जगह पे जा भी नहीं पाया, डेजर्ट में एक अरेंजमेंट और करके रखा है, 2-3 जगह पे सारा काम है, बट सब जगह सेम ही है जैसे मैंने आपको दिखाया, हर जगह लोस्ट वाले बंदे ही हैंडल कर रहे हैं सारी चीजें। फिलहाल मैं घर पर आ चुका हूँ, वो अपना सब कुछ काम कर लेंगे जैसे मैंने उनको बताया है, तो जल्दी से चलता हूँ भाई, सब वेट कर रहे हैं, निकी आ गई, डोगी रोकी दोनों आ गए, मतलब सब आ गए मेरी पूरी फैमिली के बंदे यहाँ पे, और कोई नहीं सिर्फ फैमिली रहेगी और मेरे प्यारे प्यारे गेस्ट रहेंगे बस, और कोई नहीं यहाँ पे। चलिए भाई जल्दी से, वाह भाई वाह, अरे रे रे, तो प्यार से देखिए भाई सामने की तरफ हमारी प्यारी ड्राइवर की वाइफ खड़ी हुई है, हो रही भाई निकी रेडी होकर रखी हुई है, तो ड्राइवर भी आ गया यहाँ पे, तो मस्त एंट्री होनी चाहिए थी। तो फिलहाल चलिए स्वागत करो नमूनो, ओके भाई काफ़ी मेरे प्यारे दोस्त आ चुके हैं, फिलहाल फैमिली का भी देखो ज़्यादा दोस्त नहीं है, अब की बार निको नहीं है अभी, मतलब कि ना सीजे है, क्योंकि अभी तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, तो इसलिए वो तो नहीं होने वाले। तो फिलहाल जितने मेरे बंदे हैं, मिसेस विल्सन भी आई है, चलो इनको बाद में देखूंगा, अभी फिलहाल आने तो शादी में कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेरी बैठा हुआ है, टेरी ने कोई गड़बड़ नहीं करी, कोई दिक्कत भी बात नहीं है, और सब सही है, वाह भाई वाह, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। हेलो निकी, मस्त लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, फिलहाल इससे बात कर लेता हूँ। एम भाई नमूना ठीक है तू, भाई देख रहे हो कितने मस्त दोनों, अब ये चेयर हमारे लिए थी भाई, तुम दोनों बैठ गए नेता बन के, ये सही है, तुम दोनों शादी कर रहे हो क्या आपस में, कमाल है यार, कुछ भी मतलब भाई साहब, वैसे अब की बार देख रहे हो एटीट्यूड बिल्कुल कम है, मैंने इनको पहले ही बोल दिया था अगर तुम लोगों ने शादी में शैतानी करी तो रूम में बंद कर दूंगा चुपचाप बैठे हुए। मुझे आज भी याद है लास्ट शादी में इसने इतना नाक में दम करा, ड्राइवर मेरी मर्जी के बिना तूने ये कैसे कर लिया, मैं नाराज़ हो जाऊंगा घर छोड़ जाऊंगा इसकी, भाई भाई मान ले इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, अब करके दिखाए मेरे को परेशान, ना घर से बाहर निकाला, अब वो वाली बात नहीं है, बाबा ने ये चीज़ तो बहुत अच्छी कर दी, अब ये मेरी रिक्वेस्ट करता है मैं इसकी नहीं करता, मैं बड़ा खुश हूँ। तो कैसे चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि इसको डर है अगर इसने कुछ बदतमीज़ कर दी तो ड्राइवर रूम में लॉक कर देगा दोनों को और बाहर नहीं निकालेगा, इसलिए बदतमीजी करने वाली है ही नहीं। तो चलिए भाई शादी कर लेते हैं, अरे हमारा बिग माफिया नमूना नहीं आया अभी तक, ये हद है भाई, चलो आ जाएगा कोई टेंशन की बात नहीं है, ट्रैफिक में अटक गए होंगे तो थोड़ा, फादर 2 मिनट वेट कर लो। फाइनली भाई 10 मिनट खराब करने के बाद हम थक गए खड़े खड़े, पहुंच गए बिग माफिया। अबे नमूना क्या कर रहा था, लगता है कोई गिफ्ट तैयार कर रहे होंगे। तो चलिए भाई शादी करते शुरू, तो मैं फिर आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, चाबी देख रहे हो कैसे बैठा हुआ है, सुधरेगा नहीं, और वो देखो लेस्टर, अबे सुधर जा भाई, मानता हूँ तेरी शादी करवानी है, इसकी शादी भी करवाऊंगा। तो फिलहाल चलिए सब कुछ सही है, फादर कंटिन्यू कीजिए। तो मेरे प्यारे ड्राइवर, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन होने वाला है, आज से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू होगी, तो तुम्हें कैसे लग रहा है? अरे फादर क्या कह क्या रहे हो यार, शादी है अच्छी चीज है, तुम कह रहे हो बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी? अरे मजाक था बेटे, मजाक मजाक तो चलता है यार। फादर के ये लग रंग उतरे, फादर मजाक बाद में कर लेना,
शादी करा दो यार। हद है भाई साहब, सुना बेटे टोकी रोकी, पादरी मजाक कर रहे हैं, बिग माफी भैया बैठ जाओ। हाई फाइनली शादी हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से। फादर ने फाइनली 2-3 लाख मजाक करने के बाद में शादी करवाई दी है। सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे भाई खाने का प्रोग्राम है, आप सामने देख रहे होंगे। हमारे लोस्ट वाले बंदे लगे हुए खाना बनाने में, मस्त तरीके से टेबल यहाँ पे रखी हुई है। थोड़ी देर में सही बंदे लंच करेंगे, फिर यहीं पे डिनर करके जाएंगे, उसके बाद जाने दूंगा। निकी यहाँ पे खड़ी है, काफी खुश है। लेस्टर नाम का नमूना बेटे सुधर जा, तेरे को बाद में बोलूंगा। तो फिलहाल इनको देखो, ये दोनों के दोनों भाई ऐसे लग रहा दुनिया में इतने शरीफ इंसान और मतलब डोगी मैंने जिंदगी में देखे। लास्ट टाइम तो ऐसे नाच रहा था, ऐसे ठुमक रहा था, बट अब की बार प्योर से बिहेव कर रहा है। इसको कहते हैं ट्रेवर की सीख और ट्रेवर की इज्जत। बाबा ने मेरी लाइफ बदल दी भाई, बाबा जी थैंक यू। आप ना होते तो ये नमूने आज बहुत बुरा बोलते, वही को उल्टा सीधा बोलते, गालियाँ देते, मतलब पहले कितने बदतमीज थे, आपने सब कुछ देखा ही हुआ है। अब देख रहे हो कोने में बैठे हुए हैं इस चीज़ का डर लेके, कभी हमने कुछ गलती कर दी शादी में तो ट्रेवर हमें रूम में बंद कर देगा। इसी वजह से चुपचाप बैठ के बस देख रहे हैं, शादी के मज़े ले रहे हैं। मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बात खत्म। क्योंकि भाई देखो मैं इनको ख़राब नहीं कर सकता फिर से, क्योंकि लास्ट टाइम फिर ये बहुत बदतमीज़ हो गए थे। निकी से मिसबिहेव करते थे, मुझसे मिसबिहेव करते थे, फिर बार बार किडनैप होते थे, गालियाँ देते थे, मतलब पूरा था। जो कुछ है अब परफेक्ट है, बाबा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, उनके लिए वही ठीक है, नहीं तो सर पे चढ़ाएंगे फिर बुरा हो जाएगा। तो निकी जी बहुत बढ़िया तरीके से सारा काम हो गया, तो फिलहाल भाई इसके लिए गिफ्ट है वो मैं दूंगा, बट यार अभी नहीं क्योंकि अभी काफ़ी लंबा एपिसोड हो रहा है, वो शाम वाले एपिसोड में देंगे फिलहाल, क्योंकि लंबा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो एपिसोड। फिलहाल अभी बंदों की पार्टी चलने दो, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, कुछ कुछ काम भी पेंडिंग पड़े हैं। मुझे तो किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया, ये कमाल है ट्रेवर, तुम सभी को गिफ्ट देता है। अभी लेसर नमूने मेरा गिफ्ट कहाँ पर है, शादी में आ गया फ्री का सारा सामान खाने के लिए, गिफ्ट कौन लेकर के आएगा। ये देखो कैसे मजे से ड्रिंक करे जा रहा है, ये देख रहे हो। अभी ट्रेवर ने अगर गुस्सा दिखा दे 2 मिनट में सीधा कर देगा तेरे को। तो चलिए भाई थोड़ा सा एंजॉय करने, तो अभी डांस करेंगे, निकी और ट्रेवर दोनों डांस भी करेंगे, डोगियों को भी नचाऊंगा थोड़ी देर में। तो आप लोग बताना भाई, आप लोगों को हमारे प्यार ट्रेवर की ये अमेजिंग शादी कैसी लगी। पूरे लॉस सैंटोस में ऐसी शादी किसी की नहीं होगी भाई, और ना ही कोई करेगा, इतना खर्चा कौन करेगा। पूरे पूरे शहर में बैनर लगा के रखे ट्रेवर ने, किसी में इतना दम नहीं है भाई। मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है, बट दुनिया की ये आदत नहीं जाएगी, सब चला जाएगा, 2 रुपए की आदत नहीं जाएगी। कर दिया काम खराब, हम तो तेरी इज्जत बनाने में लग रहे, तूने इज्जत उतार दी 2 मिनट में, ये नहीं सुधरेगा, से कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है रोकी डोगी वहीं पे बैठे रहना, अगर हिले ना बहुत मारूंगा। तो बस मेरे भाइयों फिलहाल इस वीडियो को इतना, तुमको ये वीडियो कैसी लगी, ट्रेवल की शादी कैसी लगी, सारे सस्पेंस कैसे लगे, हर एक चीज कैसी लगी बताना जरूर। और एक दो पॉइंट भूल गया होगा तो भाई वो प्लानिंग थी मेरी नहीं थी, हमारे प्यारे गॉडफादर की थी, बताना जरूर सब कुछ कैसे लगा। अगर आप चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।